अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूं आपका मेज़बान राही निसार। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक यहां पे बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वही अगर हम हायर रीचेस की बात करें वहां पे अच्छी खासी बर्फबारी हो चुकी है। अभी अगर बात करें जो यहां पे मैदानी इलाके हैं यहां पे भी इस वक्त अच्छी बर्फबारी हो रही है। मैं यहां पे लाइव आने का इस वक्त मकसद इसलिए है कि जो लोग यहाँ पे पट्टन हॉस्पिटल आना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे मैसेज है, क्योंकि अगर आप, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आपको थोड़ा बहुत दिखाए, ये एम्बुलेंस गाड़ी यहाँ पे नेशनल हाईवे पे लगी है। यानी कि अगर किसी को पट्टन हॉस्पिटल आना है उसको फिर रेफर यहाँ से किया जाता है, उसको हाईवे पे आना पड़ेगा। क्योंकि जो अंदर अगर हॉस्पिटल की बात करें, दूसरे साइड से मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो दिखाए, ये है हॉस्पिटल का वो रोड जो नीचे जाता है, इस पे फिसलन की वजह से गाड़ियों को नीचे जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं पे अगर म्यूनिसिपल कमेटी की बात करें, उन्होंने अभी अभी यहाँ से बर्फ हटाने की कोशिश की मगर फिसलन की वजह से गाड़ियों को बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर दाएं साइड भी यहाँ पे देखें तो म्यूनिसिपलिटी की जेसीबी भी यहाँ पे लगी है जो इस वक्त अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि ये अपना काम कर रहे हैं। वहीं पे नेशनल हाईवे पे जो डोजर आप देख रहे हो इस वक्त, नेशनल हाईवे को भी इस वक्त साफ किया जा रहा है। ये नेशनल हाईवे के लिए डोजर है जो साफ इस वक्त नेशनल हाईवे को रखते हैं ताकि जो गाड़ियां नेशनल हाईवे पे सफर करती है उनको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। वहीं पे म्यूनिसिपल कमेटी का भी डोजर यहाँ पे लगा है जो अंदरूनी रास्ते यहाँ पे साफ करते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा वो आपको घुमा के दिखाए कि ये है गाड़ियों का हाल, जो गाड़ियां नीचे जाती है उनको फिसलन की वजह से बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यानी कि अगर कोई इस वक्त जो मरीज जिसको यहाँ पे हॉस्पिटल आने की जरूरत है वो गाड़ी को हाईवे पे ही यहाँ पे पार्क करे, उसके बाद यहाँ पे ये रास्ता जो नीचे जाता है ये पैदल ही सफ़र करे। अगर इमरजेंसी है, इमरजेंसी के तौर पर वो एम्बुलेंस ड्राइवर से यहाँ पे रابطہ कर सकते हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर उसको शायद नीचे ले जा सकता है। या यहाँ पे म्यूनसिपलिटी पटन की जो जेसीबी भी लगी है ये भी इस वक्त काम कर रहे हैं, इमरजेंसी सूरत में पेशेंट को अंदर लिया जाएगा। बहरहाल बाकी गाड़ियां इस वक्त सारे यहां पे हाईवे पे लगाई गई है, यानी कि नीचे हॉस्पिटल जाने के लिए इस वक्त की बात करें इस वक्त नीचे जाना गाड़ियों को मुश्किल है, क्योंकि फिसलन की वजह से हॉस्पिटल का जो अंदर रास्ता जाता है इस पे गाड़ी चलाना मुश्किल है। यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी के कुछ अहलकार भी मेरे साथ है। जी बताइए, आपने अंदरूनी जो सड़कें हैं उन पे काम किया? अभी हम जो अंदर के ये रोड्स है वो हम साफ कर रहे हैं और ड्रेनेज भी क्लियर है, इंशाल्लाह हम मैनेज भी है, मशीनरी भी है, काम चल रही है। और ये जो पहला जो ट्रामा हॉस्पिटल का रोड है हमने ये क्लियर किया है, इसके बाद हम जाएंगे फायर एंड इमरजेंसी रोड, वो भी इंशाल्लाह अभी क्लियर होगा। आपको लगता है कि इस पे अभी भी गाड़ियों को मुश्किल लगता है कि अंदर जाने में, क्या रहेगा लोगों से आपकी मैसेज? थोड़ा बहुत इसमें फिसलन रहेगी क्योंकि इसमें चढ़ाई है, लेकिन हमने जो ये ऊपर का बर्फ पड़ा है हमने क्लियर किया है। मसला यह है कि हम यहाँ पे भी है, मशीनरी भी है, हमने स्वीपर को भी यहाँ पे लगाया है काम करने के लिए, हम अभी यहाँ पे खड़े ही है। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। यानी कि हम ये कहेंगे मैन एंड मशीनरी दोनों इस वक्त काम कर रही है, म्यूनसिपल कमेटी पट्टन के अहलकार इस वक्त फील्ड में है। वहीं पे अगर आरएनबी की बात करें वो भी हाईवे को इस वक्त साफ कर रहे हैं, मगर खास तौर इस सड़क का यहाँ पे हमें ख्याल रखना है क्योंकि फिसलन बहुत है, हॉस्पिटल नीचे है और जब गाड़ियों को नीचे जाना होता है उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और फिर ऊपर वहाँ से आने में ज़रूर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक मैसेज ये है कि अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट है वो सड़क पे ही एम्बुलेंस ड्राइवर से रابطہ यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि एम्बुलेंस गाड़ियों को अब सड़क पे यानी कि हाईवे पे रखा गया है, हॉस्पिटल से इनको बाहर करके हाईवे पे रखा गया है ताकि जो मरीज यहाँ पे हमें शिफ्ट करने पड़ेंगे श्रीनगर या दूसरे इलाकों से लाने पड़ेंगे उनको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन।